दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रांगण में कैरियर इन काउंसलिंग की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में केमिकल साइकोलॉजिस्ट अतुल कुमार ने बताया कि कैरियर इन काउंसलिंग के द्वारा किस तरह से छात्र एवं छात्राएं अपने कैरियर को बना सकते हैं और क्या क्या आगे स्कोप है इसके बारे में बताया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने कार्यशाला का लुत्फ़ उठाया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में प्रैक्टिकली काउंसलिंग कैसे करते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम होती है इसके बारे में सिखाया गया। जब कहीं काम करने के लिए स्कूल कॉलेज काउंसलिंग करेंगे और समाज के लिए एक स्रोत साबित होंगे, जिससे लोगों की समस्याओं को कम किया जा सकेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंकिता ओझा, आदिल अजीज एवं केमिकल साइकोलॉजिस्ट अतुल कुमार ने कहा, आप उसी को पकड़ के चलते हो, वैसे आप हम यही करने वाले हैं। फिर से रोल प्ले बेटा गर्ल का तो वो ज्यादा नुकसानदायक है, तो यहाँ पे कुछ नुकसान नहीं होने वाला, सिर्फ लर्निंग है। कैसे आए, अकेले आए? अकेले। अच्छा, तो आप कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअली मुझे कुछ अपनी लाइफ में दिक्कत फेस करनी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक काउंसलिंग के बाद जाके चीजें डिस्कस करके शायद कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे की परफेक्शन किया कि वो यही काम करने का मन नहीं था, मतलब उनको इतने परफेक्ट तरीके से करो कि मतलब कि कोई उसमें गलती कुछ चांसेस ही नहीं रहे। लेकिन दिक्कत सर, आप लेथार्जी फील नहीं करते हो और फिर वहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर आपको दिक्कत भी देखने पड़ती है, उसके चलते एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन खुद के ऊपर और फिर प्रेशर जो सोसाइटी का पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो सारी चीज़ों के चलते मुझे दिक्कत होती है। आपको आइडल से फॉर इयर्स से चूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिक साइकोलॉजी पढ़ के नहीं आता आइडियल से क्वेश्चंस कर ऐसे नहीं होता ना, तो आप उसको इन जनरल क्या पे क्या बोलते हैं, वैसे तो साइकोलॉजी का आपको पता नहीं होता, लेकिन इस तरह के वर्ड्स अगर यूज होते हैं, अगर पढ़ाई के मामले में अगर बात करें ना सोशल मीडिया को बाहर रखते हैं तो उसमें भी अगर कुछ ही पढ़ने वाले ने अगर डिसाइड कर लिया स्टडीज में भी कॉन्सिक्यूटिवली कौन ये भी बोल रहे थे कि बेसिक का भी है, तो बेसिक कुछ भी कर सकता है, टाइम टाइम में काम तो क्या करते हैं आप, एक तो अच्छा है मतलब काम और कमजोर से है कि मैंने इसका बोल पाया कि रहे सुन रहे हैं कि ये तो अच्छी क्वालिटी है, इसको वो परेशान है मतलब ये तो परेशान है, देखिए तो आपके पास है, आपने उनको बोल दिया कि नहीं ये तो अच्छी क्वालिटी है कि आपने मतलब आप अचीव कर रहे हो सर, उसी की पढ़ा है कुछ लग रहा है कि उस तरह की बातें कर रही है, क्या होता है उसी की तो पता है सर, एक एक बोल रहे थे ठीक है सर, तो सर्टेन लिमिट अचीव क्वालिटी है, उसी की वाले कई बार बहुत अच्छा अचीव करते हैं अचीवर होते हैं, लेकिन हम परेशान होते हैं, वो परेशान होते हैं उनके साथ दूसरे भी परेशान होते हैं। जी मेरा नाम आदिल अजीज है और मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग का शोध छात्र हूँ। किस तरह का प्रशिक्षण ले रहा है? यहाँ पे काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के फील्ड में मनोविज्ञान का जो अप्लाइड एस्पेक्ट होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसी से रिलेटेड वर्कशॉप चल रही है। किन किन समस्याओं पर लगा इसमें जैसे इंटरनेट एडिक्शन हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, स्कूल प्रॉब्लम हो गई, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे के उसका इंटरवेंशन के बारे में बताया जा रहा है। मैं अंकिता ओझा हूँ और मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में रिसर्च स्कॉलर हूँ और यहाँ पे दो दिन का वर्कशॉप चलाया जा रहा है। पहले दिन में हमें सारे बच्चों को ये बताया गया कि साइकोलॉजी जो है वो किस किस फील्ड में हम और पढ़ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में साइकोलॉजी जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताया गया और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो साइकोलॉजी के अंतर्गत कराए जाते हैं उनके बारे में बताया गया। सेकेंड डे जैसे फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है वैसे मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है,
तो यहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे काउंसलिंग करें किसी की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, और एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे दूर करें, और छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे जीवन में होती हैं उन लोग को उन सबको हम कैसे टैकल करें और दूसरे को हेल्प करें काउंसलिंग के दौरान। मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम नोएडा। आई रन एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, और एक और UIBS क्लिनिक जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये कार्यशाला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ की है, एंड इसमें हम लोग जो करियर इन काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी कि किस तरह से आप उसमें करियर बना सकते हैं और क्या क्या आगे स्कोप है डिफरेंट एरियाज़ में, उसके बारे में बात की गई, जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया एंड उनके पास बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स उनको मिले। और आज नेक्स्ट डे जो हम लोग कर रहे हैं वो काउंसलिंग स्किल्स पे कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी जो समस्याएँ हैं साइकोलॉजिकल, चाहे वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं या करियर को लेके है या इमोशनल इशूज़ हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पर साइकोलॉजी के लोगों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है काउंसलिंग में, क्योंकि जो स्ट्रेस उसको कैसे मैनेज करें, उसमें जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो आगे चलकर साइकोलॉजिस्ट बनने वाले हैं, काउंसलर्स बनने वाले हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो यहाँ पे इस कार्यशाला में हम उनको वो काउंसलिंग स्किल्स कैसे करते हैं प्रैक्टिकली रोल प्लेस के थ्रू एंड आपस में इंटरेक्ट करके कैसे करें, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में हम लोग उन्हें सिखा रहे हैं आज, और वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जब वो काम करने के लिए किसी स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलिंग करेंगे और समाज के लिए एक एक रिसोर्स साबित होंगे, एक जिससे कि लोगों की समस्याओं को कम किया जा सके।